अडानी के पोर्ट पर हीरोइन की महातस्करी। गुजरात पोर्ट से 3000 किलो हीरोइन बरामद। हीरोइन की कीमत सुनकर उड़ जाएंगे होश। 100-200 करोड़ नहीं, 9000 करोड़ की है कीमत। आखिर कौन कर रहा था नशे का महाकारोबार? क्या है नशे की महाखेप का अफगानिस्तान कनेक्शन? जी हाँ, ये जो खबर आपने सुनी है ये बिल्कुल सही है और 100% सच भी है। जिस गुजरात में देखिए शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसी गुजरात से राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI और कस्टम विभाग ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1-2 किलो नहीं बल्कि 3000 किलो हीरोइन पकड़ी है। और जिसके बाद से देखिए पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। भारी मात्रा में पकड़ी गई इस हीरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 9000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ड्रग्स तस्करी के इस बड़े खुलासे के बाद जहां पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि हीरोइन की ये बड़ी खेप कच्छ के मुद्रा पोर्ट से बरामद हुई है और जिसका स्वामित्व देश के दिग्गज बिजनेसमैन गौतम अडानी के अडानी पोर्ट के पास है। और यही वजह है कि देश भर में ड्रग्स तस्करी का ये खेल सुर्खियों में बना हुआ है। राजस्व खुफिया निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक हीरोइन ले जाने वाले ये कंटेनर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की एक ट्रेडिंग कंपनी ने आयात किया था और इस फर्म ने कंटेनर में टेलकम पाउडर होने का झांसा भी दिया था। लेकिन तलाशी के वक्त गांधीनगर के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौजूद थी और इसी टीम ने टेस्ट कर ये बता दिया कि भाई जिसे टेलकम पाउडर कहा जा रहा है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि हीरोइन है। तो अफगानिस्तान के कंधार की कंपनी हसन हुसैन लिमिटेड ने ये दोनों कंटेनर ईरान के बंदरगाह अब्बास पोर्ट से भारत भेजे हैं और जिनमें से पहले कंटेनर में जहां तकरीबन 199.58 किलोग्राम हीरोइन पाया गया, तो वहीं दूसरे कंटेनर में 988.64 किलोग्राम हीरोइन पाई गई है। यानी कि कुल मिलाकर 2988.22 किलोग्राम हीरोइन जब्त की गई है। अब देखिए अधिकारियों के दावों के मुताबिक ये दुनिया में अब तक जब्त की गई हीरोइन की सबसे बड़ी खेप है। DRI और कस्टम विभाग का पिछले 5 दिनों से ऑपरेशन चल रहा था और इसी के तहत एजेंसी ने कंसाइनमेंट रोककर जांच की तो टेलकम पाउडर की आड़ में 9000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हो गई, जिसके बाद एजेंसी ने दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, गांधीधाम और मांडवी में भी छापेमारी कर तलाशी ले रही है। तो अडानी पोर्ट से बरामद हुए 9000 करोड़ की हीरोइन के बाद देखिए सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रिया अब देखने को मिल रही है। पूर्व IDS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, 9000 करोड़ रुपए किसी सिर्फ फिर एक कस्टम ऑफिसर ने अडानी के निजी पोर्ट से 9000 करोड़ कीमत की 3000 किलो हीरोइन जब्त कर ली। मजाल है कि जरा सी बात पर चीखने वाला गोदी मीडिया एक भी सवाल पूछ ले। अडानी देश का मालिक है, उसे पूछताछ की कोई हिम्मत करेगा कि ये ड्रग्स कैसे आई? तो एक और ट्वीट में पूर्व IAS ने ये लिखा, बॉलीवुड में 10 ग्राम ड्रग्स मिलने पर कैसा हंगामा काटा था पूछता है भारत। जैसे चिल चपोटो ने, याद है ना, ये वही अडानी है जिसने कृषि कानून आने से पूर्व ही अनाज गोदाम बना लिए थे, अन्नदाता का निवाला छीनने वाला। तो देखिए बिहार के दिग्गज नेता और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने यह लिखा है कि भाई 9000 करोड़ का हीरोइन अडानी पोर्ट पर पकड़ा गया और अभी हाल ही में वहां से 72000 करोड़ का 25 टन तालिबानी हीरोइन की तस्करी हो चुकी है। सरकार के नाक के बाल एक उद्योगपति का पुराना इतिहास खंगाला जाए तो पता चल जाएगा कि वो कई दशक पहले ड्रग्स के धंधे में गिरफ्तार हुआ था और वहीं इस धंधे का किंग मेकर भी है। हंसराज मीणा नाम के एक ट्विटर यूजर इस पर लिखते हैं, अडानी के निजी बंदरगाह से 9000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई,
एयरपोर्ट बंदरगाह निजीकरण करने के ये भी फायदे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने ये लिखा कि गुजरात में 3000 किलो हीरोइन की खेप पकड़ी गई है और ये देश की एक जगह से पकड़ी गई सिंगल लार्जेस्ट खेप है, लेकिन इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर टीवी के न्यूज चैनल खामोश है। अंधभक्तों, निजीकरण के बारे में क्या ख्याल है? इसके अलावा पूर्व IPS विजय शंकर सिंह ने भी इस मामले में लिखा, गांजे की पुड़िया मिलने पर चिल्लाने वाले न्यूज चैनल, अडानी के पोर्ट से 9000 करोड़ की हीरोइन बरामद होने पर मुंह में दही जमा लिए हैं। तो मीडिया में देखिए, जब से 3000 किलो हीरोइन बरामद होने की खबर सामने आई है, लोग इसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खासकर बिजनेसमैन गौतम अडानी के पोर्ट से मामला जुड़ा होने की वजह से देखिए ज़्यादातर मोदी विरोधी अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं, जो मोदी सरकार पर अंबानी अडानी की मदद करने का आरोप भी लगाते हैं। वैसे आपको ये ज़रूर बता दें कि भाई इस मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इससे जुड़े कुछ अफगान नागरिकों की भी तलाश जारी है। 2999 किलोग्राम का ये ड्रग्स का लार्ज क्वांटिटी में इसका जत्था है। इसकी जो अप्रोक्स 3 टन हम बोल सकते हैं, इतनी लार्ज क्वांटिटी जब मिला तो जिन लोगों ने बिल ऑफ लेडिंग वहाँ से फाइल किया था एट द टाइम ऑफ, और यहाँ पर जो रिसीवर से जिन लोगों ने ये दोनों कंसाइनमेंट मंगवाया था, वो दोनों मच्छावर्म सुधाकर और गोविंद राजू दुर्गापुणा वैशाली, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। दोनों को हमारे DRI के ऑफिसर ने चेन्नई से इनको अरेस्ट किया 17th को, और 17th को अरेस्ट करने के बाद इन दोनों को चेन्नई की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में प्रोड्यूस किया। वहाँ से ट्रांजिट वारंट से हमारे गांधीधाम DRI के अफसर इनको यहाँ पर लेके आए। 18th को हमने इनका प्रोडक्शन किया कच्छ की स्पेशल NDPS कोर्ट में, और आज हमने हमारी एजेंसी की ओर से हमने रिमांड की मांग की थी। अभी हालांकि दोनों एक्यूज्ड अभी पालारा जेल के अंदर है, दोनों हस्बैंड वाइफ, इनको लेकर के अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन होना है। अभी उसकी रिमांड आज से हमें मिले हैं दोनों की, तो 30 तारीख को शाम को 5 बजे तक के रिमांड DRI एजेंसी को दिए गए और स्पेशल कोर्ट ने ये रिमांड हमें NDPS कोर्ट ने दिए। अब माना यह जा रहा है कि तस्करी के इस खेल में कोई बड़ा रैकेट जुड़ा हुआ है और जिसकी छानबीन में फिलहाल टीम लगी हुई है। बहरहाल जरा सोचिए, अगर DRI की कार्रवाई में हीरोइन की इतनी बड़ी खेप नहीं पकड़ी जाती तो पूरे भारत में ना जाने कहाँ कहाँ इसे सप्लाई किया जाता और लोगों को नशे का आदि बनाया जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ड्रग्स की क्या ये पहली खेप है या इससे पहले और खेप टेलकम पाउडर की आड़ में भारत आ चुकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इन तमाम सवालों से पर्दा उठता जाएगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा।